ओम या श्री स्वयं सुखिदेनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवा सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्व। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विक्रमादित्य और आज हम उपस्थित हैं मीन राशि वालों के राशिफल को लेकर। जून का पहला भाग जो है वो आपकी राशि के अनुसार से कैसे ग्रह योग बना रहा है। देखिए, मीन की राशि के स्वामी हैं बृहस्पति महाराज और बृहस्पति महाराज इस वक्त आपके व्यारे न्यारे करने को तैयार हो गए, 12 वर्ष बाद भाग्य जगाने को तैयार हो गए। साथ साथ मंगल भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। मंगल महाराज विशेष तौर पर आपकी राशि में राहु के साथ चल रहे थे, अब वहाँ से निकल कर स्वग्रही बिल्कुल अपने भाव में आ गए हैं और ये आपके पैसे एकत्र करने वाले हैं, धन को एकत्र करने के योग बनाने वाले हैं, यानी सेविंग्स बढ़ाने के योग बना सकते हैं। कई प्रकार से सुंदर तरीके से ये स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो ऐसे में आपको कुछ खास विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। इन दिनों ग्रहों की स्थिति भी बड़ी विचित्र चल रही है। पंचग्रही योग का निर्माण, चतुर्ग्रही योग का निर्माण, त्रिग्रही योग का निर्माण आपकी राशि में जून में होने वाला है और ये अलग अलग फल प्रदान करेंगे। पंचग्रही योग का फल ऐसा कहा जाता है कि ये या तो जलाजल वातावरण बनाता है या भीषण प्रचंड गर्मी का योग बनाता है। वातावरण में बहुत ज़्यादा जिस प्रकार का योग चल ही रहा है इस वक्त, देख सूर्य अपने पूरे तीव्र प्रकाश के साथ इस संसार को गर्मी की पूरी प्रचंडता देते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो विशेष तौर पर ग्रह ये दिखाते हैं कि तूफान आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। यात्राएं बहुत संभल के करें। आपकी राशि के अनुसार से कैसे ग्रह योग बनेंगे वो आप समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। तो मीन राशि वालों, एक तारीख का समझो, 1 जनवरी को विशेष तौर पर जो 1 जून को योग जो बन रहा है, शनिवार का अवसर है, जेठ का कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, इस दिन उदय तिथि के तौर पे और साथ साथ 10वीं तिथि क्षय हो गई है, अगले दिन सूर्योदय तक 10वीं तिथि नहीं पहुंच पाएगी। तो नए कार्यों को आरंभ मत कीजिएगा क्योंकि रक्ता तिथि के दिन विशेष तौर पर खासतौर पर 6 तिथि के दिन नया कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए और साथ साथ शुक्र भी अस्त है तो वो ठीक नहीं है, बृहस्पति भी अस्त है तो इसके लिए ठीक नहीं है। ग्रहों योग का योगा योग ध्यान रखते हुए कार्य करें। मीन में चंद्रमा का पदार्पण है, ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है, नई शक्ति का संचार करता है, 2-3 दिन तक अच्छे लाभ देने के योग बना सकता है। मंगल परिवर्तन की तरफ सुबह सुबह करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के आसपास परिवर्तन कर राहु के ग्रास से निकल कर ये चले जाएंगे आपके द्वितीय भाव में और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएंगे। इससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, धन एकत्र करने में सहायता प्राप्त होगी और बहुत सारे विशेष कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, सहयोग के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। शनिवार का अवसर है और आपको विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शनि महाराज जो है 12वें भाव में चल रहे हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को स्टेप बाय स्टेप धीरे कर रहे हैं, उनको शक्ति देने की ज़रूरत है। और इन दिनों शनि जयंती भी आने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि बृहस्पति का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, क्योंकि बृहस्पति कल से उदय होने जा रहे हैं और जब बृहस्पति उदय होंगे तो शनि महाराज कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में हिंडेंस देंगे और फिर आपको क्रोध लाएंगे, ये सब चीज़ें क्रोध भी लाएंगे। तो ऐसे में शनि को उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए। शनि जयंती भी आने वाली है और इस दिन 1 तारीख को शनि भी शनिवार भी है तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। शनिवार को शनि को पसंद करने के जो भी उपाय हो सकते हैं सब करने का प्रयास कीजिए क्योंकि शनि को मनाएं, सदा सुख को पाएं, आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी उपाय है। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ये बात ध्यान रखना चाहिए, आपकी 7:30 भी आरंभ हो गई है और ऐसे में शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जब भी शनिवार पड़े तो हनुमान जी को जरूर पसंद करने का प्रयास कीजिए, ये गांठ बांध के रख लीजिए, भूल मत जाइएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बहुत सारे लोग आपको पता नहीं कहाँ कहाँ भटका सकते हैं, कोई लाखों रुपये के रत्न पहना देगा, कोई कुछ तेल चढ़वा देगा, लेकिन जो कृपा हनुमान जी देंगे ना वो कोई और नहीं देगा। तो इस बात का ध्यान रखें। मंगल भी आपके लिए बहुत सुंदर जगह चल रहे हैं लेकिन एक्सीडेंट का योग बनता है, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, चोट लग सकती है। ये शनि का योग जो बन रहा है कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा में न फंस जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 तारीख की बात कर लेते हैं। रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि है और इस दिन अपरा एकादशी का व्रत पड़ता है, बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अनुकूल है। तृतीय भाव में विराजमान होकर बृहस्पति ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा क्रोध से बचना होगा आपको, अननेसेसरी क्रोध ना करें, बहुत ज़्यादा क्रोध करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। पंचग्रही चतुर्ग्रही योग इस वक्त बन रहा है जो सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है। ऐसे में भगवती दुर्गा की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जितने दुर्गा जी की आराधना करेंगे वो उतनी शक्ति आपको देंगे। महालक्ष्मी की आराधना, दुर्गा की आराधना जितना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था मीन राशि वालों, नोट कर लीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति का परिवर्तन क्या करेगा आपके लिए, उसको बहुत ध्यान से सुन लें और उसमें जो उपाय बताए हैं, क्योंकि आने वाले 1 साल 11 महीने जो है वो बहुत विशेष हैं आपके लिए।
यदि आप उन चीज़ों को समझकर उपाय कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जन्मपत्री को समझते हुए आप चीज़ों को देखना चाहिए। ये वर्ष जो आपके लिए आया है 12 वर्ष बाद आया है और ये आपके धर्म को जगाने वाला आया है, भाग्य को जगाने वाला आया है। और यदि सही से नहीं रहे तो ये समय ऐसे ही चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, फिर आप परेशान होंगे। केवल चाबी लगाने की ज़रूरत है। तो आप सुंदर तरीके से अपनी जन्मपत्री को सही से समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको हम हिदायत देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। 3 तारीख की बात कर लेते हैं। सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और विशेष तौर पर मेष राशि में चंद्रमा का पदार्पण होने जा रहा है। ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, पिताओं का, पिताजी का आशीर्वाद, माताजी का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। उनके आशीर्वाद से वारे न्यारे हो सकते हैं आपके लिए। बुध अस्त होने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बुध अस्त तृतीय भाव में बैठकर ये कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी लाने के योग बना सकते हैं। विचार सही जगह पर चलने में रोक लगा सकते हैं, क्योंकि बुध आपकी राशि के अनुसार से आपके चतुर्भाव सुख के स्वामी भी हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। बुध को शक्ति देने की ज़रूरत है। कन्याओं का पूजन करें, गाय को पालक खिलाएं, गाय को हरी साबुत मूंग का दान करें, पक्षियों के लिए पानी रखें, अपशब्द का उच्चारण ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें करेंगे तो बहुत आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। ये बुध का उपाय विशेष तौर पर है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 2 और 3 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है। जिन लोगों का जन्म हो इस तिथि में तो विशेष तौर पर उन जातकों के लिए उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि मूल शांति करानी चाहिए। जिन लोगों की जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है और वो मूल शांति नहीं कराते हैं, फिर जीवन पर्यंत सब कुछ ग्रहों का शुभ योग होते हुए भी फिर कष्ट में जीते रहते हैं और फिर समय निकल जाता है और फिर सही समय पर सही कार्य नहीं होते हैं। ये विचित्र स्थिति है, तो ऐसे में ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। सही समय पर सही उपाय कर लेने चाहिए। शास्त्रों तो वर्णित हैं, अनुभव से हैं, तो अवश्य यानी रेवती और अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हो रहा है उनको अवश्य उनके माता पिता को मूल शांति बच्चे के लिए अवश्य करानी चाहिए, जिससे भार कट सके। 4 तारीख मंगलवार, त्रयोदशी तिथि, और ये त्रयोदशी बहुत अद्भुत है। मंगल ये वार जो है बहुत अद्भुत है। बुढ़वा मंगल है, बड़ा मंगल है। हनुमान जी ने जिस दिन सबसे पहले राम जी के दर्शन किए थे इस धरा पर, ये वो तिथि है। साथ साथ भौम प्रदोष भी है, त्रयोदशी और मंगलवार का योग पड़ गया है। जब जीवन में ऋण किसी प्रकार भी हट ना रहे हों, बढ़ते चले जा रहे हों, तो ऐसे में भगवान शिव का प्रदोष काल में विशेष तौर पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, गुड़ के रस से अभिषेक करना चाहिए। कहा जाता है इससे ऋण मुक्ति का योग बन जाता है। मंगल का ऋण मुक्त स्त्रोत्र जो है उसका पाठ करना चाहिए इस शुभ योग में। शिवरात्रि भी पड़ गई है इस दिन, तो बहुत विशेष महत्व काल स्थिति हो गई है। तो ऐसे में इस शुभ योग के लिए हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है। हनुमान जी के लिए मंगल ग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो इससे सुंदर उपाय, हनुमान जी के लिए कुछ नहीं हो सकता। हनुमान जी इस संसार में अजर अमर हैं और समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो स्थिति बन रही है वो हम आपको बताते चल रहे हैं, तो उसके अनुसार से उपाय भी करते चलें, बहुत सुंदर रहेगा। 5 तारीख का अवसर, बुधवार का तिथि, चतुर्दशी तिथि है और उस दिन वृषभ में उच्च के चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान हुए, बृहस्पति के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ, ये सब योग बना रहे हैं। ये आपके लिए धन उपार्जन के लिए अच्छा रहेगा। जैसा हमने आपको पहले कहा कि हमने अपने वीडियो में उस दिन बताया था कि जिसके अंदर जब बृहस्पति आपके लिए पूरे वर्ष क्या करेंगे, तो जब जब इस वर्ष बृहस्पति चंद्रमा के साथ योग बनाएंगे वो काल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसे में यदि आप दुर्गा पूजा यज्ञ का सहारा ले लें तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं, 300 गुना प्रोग्रेस कर सकते हैं आप यदि चाहो तो। ऐसे में इस शुभ योग का लाभ ले लें और सही दिशा में अपने कार्य को कर लें। गुस्सा मत कीजिएगा बहुत ज़्यादा, ये बृहस्पति चंद्रमा का योग जो है मन को अशांत कर सकता है, फिर गुस्सा बढ़ा सकता है, पंचग्रह योग का निर्माण हो गया है, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। 6 तारीख का दिन, ये अद्भुत दिवस है, अमावस्या है, शनि जयंती पर्व है और आपकी राशि के अनुसार से शनि को मनाने का दिन है। वर्ष में एक दिन है जो शनि को मना लोगे तो पूरे वर्ष शनि आपके अनुकूल चलते रहेंगे, नहीं तो प्रोग्रेस करने में बहुत कहीं असफलता तो नहीं देंगे लेकिन बहुत रुला रुला के फल देने के योग बनाएंगे। इतना सुंदर बृहस्पति का योग है, उसका भी रास्ता हमने आपको बता दिया। शनि को भी अनुकूल कर लो, इसलिए शनि के निमित्त विशेष तौर पर आप जो भी कर सकते हैं वो करें। एक तो तुलादान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो ये कहीं ना कहीं चोट लगने के योग बना सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, इस वर्ष अपने तुलादान अवश्य करना है आपको 2-3 बार। ये तो राशि के अनुसार से हम बता ही रहे हैं, इस दिन भी अवश्य करें। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ शनि को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। शनि जयंती के दिन एक खास उपाय कर लेना चाहिए। कहा जाता है पिप्पलाद ऋषि की जो कथा सुन लेता है उसके शनि के तमाम दोष दूर होने के योग बन जाते हैं। स्कंद पुराण के अंदर इस कथा को बड़े अद्भुत रूप से बताया गया है।
कई मतों में अलग अलग ऋषियों ने अलग कहा जाता है, अनेक अनेक कथाएं विचलित रहती हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से पिप्पलाद ऋषि को आशीर्वाद स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था कि जो उनके मंत्र का जप कर लेगा उस पर शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में शनि ग्रह शांति महायज्ञ पे होने वाले इस यज्ञ में उन मंत्रों का विशेष तौर पर स्थान देने का प्रयास किया है, लेकिन लोग बहुत दूर दूर हैं तो इस कथा का श्रवण करके उसका महत्व समझ सकते हैं। कहा जाता है कि एक काल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, समस्त लोग उस एक स्थान को छोड़कर जा रहे थे। ऐसे में देवयोग से ऐसा योग बना कि ऋषि जब वहाँ से पदार्पण कर रहे थे तो वहाँ पर पीछे पिप्पलाद नाम के एक ऋषि पुत्र था, वो वहीं रह गया। जब लोग विपदा के समय में पलायन करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कहा जाता है बालक बहुत छोटा था और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जीवन यापन करता हुआ, किसी प्रकार से पीपल के जो वृक्ष के पत्ते थे, पीपल के पेड़ के जो फल थे, उन्हीं को खाकर जीवन यापन करता रहा। साधना होती रही, ध्यान होता रहा, धीरे ऋषि पुत्र था, ऋषि अंश थे, तो ये जीवन इस प्रकार से चलता रहा। कहा जाता है कि एक दिन वहाँ से एक ऋषि जा रहे थे, उन्होंने सुंदर तरीके से कहा जाता है उनको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ संत महात्माओं का और साधना और बढ़िया चलती रही। लेकिन उस बालक ने विशेष तौर पर उन ऋषियों से प्रश्न किया कि हे महाराज, हमें बताएं कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया कि मेरी स्थिति ऐसी रही कि परिवार से भी दूर हो गया और इस पीपल के पेड़ के क्वार्टर में रहकर मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ा। तो उन ऋषि ने उनको बताया कि ये सारा का सारा आपके पूर्वजन्म कर शनि के दुष्प्रभाव के कारण से ये योग बना कि जिसके कारण से शनि के जो भयव दंड था वो आपको भोगना पड़ा। ऋषि को बड़ा क्रोध आया ऋषि पुत्र को, और उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा और शनि महाराज वहीं से देखते ही उनकी दृष्टिपात होते हुए कहा जाता है कि उस धरा पर उसी जगह उनके जहाँ पीपल का पेड़ था वहीं आकर जमीन पर गिरे और उन्हीं के कारण से उनके घुटनों में चोट लग गई। उस दिन से शनि की स्थिति जो पंगु हो गए, शनि कहा जाता है, उस दिन शनि भी पंगु हो गए। उस दिन से जब शनि महाराज उस धरा पर आकर गिरे तो पृथ्वी जो संसार का जो चलन था वो दिक्कत में आ गया। ब्रह्मा स्वयं उपस्थित होते हैं वहाँ पर, कहा जाता है ऋषि को, कथा को हम छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पिप्पलाद से प्रार्थना करके ये कहा गया कि हे ऋषि, आप शांत हों, शनि जो देते हैं वो तो कर्म अनुसार प्रभाव देते हैं, लेकिन अब इनको क्षमा करें आप। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा के आशीर्वाद से उस दिन ऐसा योग बना कि कहा गया कि जो आज के दिन इस जो शनि की जयंती के अवसर पर जो पिप्पलाद ऋषि का नाम लेगा, इस कथा का श्रवण करेगा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप करेगा, उस पर शनि अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाएंगे। तो ये कथा का श्रवण कर जो इस मंत्र से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शनि के प्रसन्न के निमित्त शनि का आशीर्वाद है, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद है, जो वहाँ पर एक यज्ञ भी देते हैं तो पिप्पलादाय स्वाहा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, आहुति दे दीजिए। कहा जाता है शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए अद्भुत है। तो यहाँ शास्त्रोक्त है, स्कंद पुराण की कथा है, भविष्य पुराण में भी इस प्रकार की कथा बताई गई है। तो आप अवश्य इन कथाओं को महत्व रूप समझकर, स्थिति का महत्व समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं और इन सब के द्वारा शनि जयंती पर हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है। आप अवश्य इसमें सम्मिलित होकर, यज्ञ में सम्मिलित होकर हनुमान चालीसा के 100 पाठ रहेंगे। हमने विभिन्न प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से समस्त विधियाँ बनाई, जैसे शास्त्र का हनुमान चालीसा का जो पाठ कहा गया है कि शनि का आशीर्वाद स्वयं हनुमान जी को मिला था, जो विशेष तौर पर जब उन्होंने लंका का दहन किया था, तो ये भी शास्त्रोक्त है। लेकिन आज संसार विचित्र विडंबना में फंस गया है, कोई तेल चलाया जा रहा है, कोई कुछ और उपाय किया जा रहा है, कोई नगी पहने जा रहा है। तो इन सब विचित्र स्थितियों से हटो, सीधे साधे उपाय शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से करो, देखिए शनि भी प्रसन्न होंगे और आपको कष्ट से निवृत्ति का योग भी बनेगा। तो स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। सप्तमी तिथि तो मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि ये इस दिन परिवर्तन का योग आपके लिए बड़ा सुंदर बन रहा है और ये आपके लाभ की स्थिति पत्तन करेगा, सुख का उदय करने का योग बनाएगा। करवीर व्रत है, सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर कई ग्रहों को अस्त कर रखे हैं। बृहस्पति को उदय हो के चुके हैं अभी, लेकिन शुक्र और बुध अभी भी अस्त चल रहे हैं और करवीर व्रत अवश्य करें। सूर्य को इस दिन इंद्रों जल में डालकर कनेर के पुष्प को अर्घ देने का प्रयास कीजिए, इससे सूर्य का दोष शमन होगा और आपके पराक्रम में विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, कनेर के पुष्प के द्वारा सूर्य को अर्घ देना है।
कनेर के पेड़ का पूजन करके थोड़ा एक पुष्प तोड़ लीजिए नित्यपति, और जब तक सूर्य इस राशि में विद्यमान है हर रोज़ एक तांबे के लोटे में एक कनेर का पुष्प डालकर थोड़ी रोली डालकर ओम भास्कर आय नमः, सूर्य आय नमः, ओम गणेश सूर्य आदित्य आय नमः, इन मंत्रों से उनका अर्घ्य देते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर होगा, जीवनी शक्ति का संचार होगा, स्वास्थ्य में भी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 8 जून शनिवार, और इस दिन द्वितीया तिथि है, और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से दिखाता है विशेष योग। ये विशेष तौर पर ग्रहों की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के अनुसार से, जो ग्रह योग विशेष तौर पर आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन अननेसेसरी सूर्य गर्म है, क्रोध में है, ऐसे में अपने क्रोध को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी बार क्या होता है, जब रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं तो मन में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, और ऐसे में चतुर्ग्रही योग निर्माण होकर ऐसा लगता है कि विरक्तता के भाव मन में उत्पन्न हो जाए, तो उस विरक्त भाव को त्यागने का प्रयास कीजिए। ग्रह प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ और नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए एक पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा भगवान विष्णु का पूजन कर लीजिए। पीपल के पेड़ को विष्णु स्वरूप भी माना जाता है, तो ये ग्रहों को ठीक करने में बड़ा सहायता प्रदान करेगा। 9 तारीख का अवसर रविवार की तिथि और तृतीया तिथि और कर्क में चंद्रमा, ये आपके लिए विजय दिलाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो सुबह कार्य करेंगे शाम में उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बन सकते हैं, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, ये सूर्य का उपाय रहेगा, अच्छा रहेगा। 10 तारीख का अवसर और मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि सोमवार के दिन चतुर्थी तिथि का योग बन रहा है, रिक्ता तिथि का योग बन रहा है, साथ साथ में भद्रा भी है, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, और कार्यों में सफलता के लिए गणेश जी का, शिव का, पार्वती का पूजन करना संपूर्ण रूप से शुभ रहेगा, विघ्नों को दूर करने वाला रहेगा। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से, एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं, कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मूल जन्म पत्र में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है, हर व्यक्ति के अनुसार से देखिए, गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है, आप समझें कि पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्मपत्र से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है, उन सब चीज़ों की गणनाएँ हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्र को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्र को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं, और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा वो सब बातें समझ में आ सकती हैं। तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझकर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं, और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज लिखी होती कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं, और ये कैसा कर लो, देखिए ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं, और उन उत्सवों के पीछे कथाएं भी वर्णित शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं, उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णित करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो हम उन सबके माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हर एक कोट अपराध। तो कोशिश ये करें इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब करीब 60 सालों में सद्गुरु आचार्य शिकेश्वर देव जी के महाराज
सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब करीब हमारे आश्रम पे 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था। एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया, उनके लिए अनुष्ठानिक तौर पर देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा दुर्गा शमनी का सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे। ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएँ हैं उनको भी हम समझें। बगला मुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है, और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं, हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा नित्य हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से आया, और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यपति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं। विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है, धन्यवाद।